हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जेके एसएसबी की वैकेंसीज अनाउंस कर चुका है, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के अंडर आपको एक पार्ट है जिसका नाम है जनरल साइंस। ठीक है गाइस, जनरल साइंस जो पूरे के पूरे 10 मार्क्स कैरी करता है और उसके अंदर जनरल साइंस के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है बायोलॉजी। सो आई एम हेयर फॉर यू ओनली। मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ और ये जो बायोलॉजी कंपोनेंट है आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ये तो आप ही जज करेंगे। वैसे तो हम देख लेते हैं एक बार की बायोलॉजी में हम आगे वाले लेक्चर्स में करने क्या वाले हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और न्यूट्रिशन की कौन कौन सी टाइप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके ऊपर कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, वो सब का सब टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। दूसरा टाइप है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों अब ट्रांसपोर्टेशन में हमारा आ जाता है ब्लड, ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, या प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स या फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीफ से रूट्स में या लीफ से अदर पार्ट्स में, वो सारे के सारे टॉपिक हम इस कंपोनेंट में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा टॉपिक है हमारा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में फ्रेंड्स हम सब पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को पढ़ लेंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वो क्या काम करता है, जो हार्ट है वो क्या काम करता है, या किडनीज की क्या फंक्शनिंग है, या डाइजेशन कैसे होता है, वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में पढ़ लेंगे हम दोस्तों। फोर्थ वन इज डिजीजेस एंड कॉजेस। अब ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे। अब इंसानी शरीर है दोस्तों, बीमारी तो लग सकती है, नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, तो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और बीमारियां कैसे होती हैं, किस किस बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन सा वायरस कौन सी बीमारी कॉज करता है, या किस फंजाई से कौन सी बीमारी होती है इन ह्यूमंस को, वो हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे गाइस। एंड फोर्थ टॉपिक इज सॉरी हमारा फिफ्थ टॉपिक है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ईजी है, कुछ सवाल इसमें से आ सकते हैं, जैसे कुछ इन्वेंशंस जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, कौन से इन्वेंटर्स थे उनके, जैसे पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ थी उसके लिए जो इन्वेंशन थी वो किसने किया था, उसके लिए जो वैक्सीनेशन था वो किसने किया था, पैस्चराइजेशन किसने इन्वेंट किया था, पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, वो सब के सब टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं गाइस। एंड लास्ट टॉपिक इज विटामिंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज, सिक्स टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक जिसका नाम है विटामिंस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिंस के में हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के सब पढ़ेंगे हम, बी से लेकर B1 से B12 तक विटामिंस के क्या क्या नाम है, क्या क्या फंक्शनिंग है, कौन से फूड से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, वो सब के सब टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे। या फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की कमी हो जाए हमें स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन ए को हमें फुलफिल करने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम विटामिंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक्स कंक्लूड करके आपको 3 से 4 मार्क्स का आने वाला है जेके एसएसबी में, तो बिल्कुल 3 से 4 मार्क्स आपको पता होगा एग्जाम्स में 1 से 2 मार्क्स को लेके भी बहुत होड़ मची रहती है, बहुत सारी रैंक्स ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये तो फिर भी 3 से 4 मार्क्स है गाइस। तो 3 से 4 मार्क्स के लिए बहुत कम टॉपिक्स हैं, बहुत ईजी हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो लेक्चर्स मैं दूंगा उसमें सारे के सारे टॉपिक्स और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने वाले होंगे, सब हम डिस्कस कर लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स।